हेलो किड्स आज का चैप्टर है अवर नेबरहुड मीन्स हमारे आसपास की जगह द एरिया अराउंड अवर होम इज़ अवर नेबरहुड जो एरिया हमारे घर के आसपास होता है उसे हम क्या कहते हैं अपना नेबरहुड कहते हैं मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ नेबरहुड और जिसमें बहुत सारी फैमिली साथ में रहती हैं पीपल हु लिव इन अवर नेबरहुड आर कॉल्ड अवर नेबर्स और वो लोग जो हमारे चारों तरफ रहते हैं नेबरहुड में रहते हैं उन्हें हम अपने नेबर्स कहते हैं अ गुड नेबरहुड गिव यूजफुल सर्विस टू इट पीपल अब जो भी नेबरहुड है हमारा वो हमें अच्छी सर्विस देता है इसका मतलब है आसपास की जो जगहें हैं वो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं लेटस रीड अबाउट सम ऑफ दिस सर्विस अब इसमें सबसे पहले आती है मार्केट द मार्केट अब मार्केट हैज़ शॉप वी बाय फ्रूट्स वेजिटेबल मिल्क एग ब्रेड मीट एंड अदर स्मॉल आइटम फॉर द शॉप अब पहले हमारे नेबरहुड में क्या आया मार्केट आई अब मार्किट में क्या शॉप्स होती हैं जिससे हम सब्ज़ी दाल चावल अंडा मछली ब्रेड या बहुत सारे घर की चीज़ें खरीदते हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल सर्विस देती है ये हमारा क्या है एक नेबरहुड है फिर नेक्स्ट हमारा आता है हॉस्पिटल अब देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है वी गो टू द हॉस्पिटल वैन वी आर इल हम हॉस्पिटल कब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं द डॉक्टर एंड गिव अस मेडिसिन द नर्स हेल्प द डॉक्टर अब डॉक्टर हमें देखता है और हमें दवाइयाँ देता है और नर्स डॉक्टर की हेल्प करती है तो ये भी हमारा नेबरह हुड है जो हमारे लिए यूजफुल है नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस अब पोस्ट ऑफिस सेंड एंड रिसीव लेटर एंड पैकेट्स फॉर अस अब पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि वो हमारे लिए लेटर या पैकेट मीस गिफ्ट है मनी ऑर्डर है उसको रिसीव करता है और हमें सेंड करता है ठीक है वी बाय पोस्ट कार्ड एंड एंड स्टैम्प फॉर पोस्ट ऑफिस वी पुट लेटर इन अ लेटर बॉक्स अब हम इससे स्टैंप ख़रीदते हैं जो अगर हमें कहीं पर कोई लेटर पोस्ट करना होता है तो उससे स्टैंप लगती है उसको हम पोस्ट ऑफिस से ख़रीदते हैं और हम अपना लेटर्स हैं वो लेटर बॉक्स में या ग्रीटिंग कार्ड हम वहाँ पे डालते हैं फिर आती है हमारी बैंक वी डिपॉजिट अवर मनी इन बैंक वी विद मनी वैन वी नीड इट फ्रॉम द बैंक अब बैंक क्या होते हैं जहाँ पे हम अपने सेविंग के पैसे इकट्ठे करते हैं और जब हमें ज़रूरत हो वो पैसे हम वहाँ से निकाल लेते हैं ठीक द पुलिस स्टेशन अब नेक्स्ट आता है पुलिस स्टेशन द पुलिस हेल्प अस टू लिव अ सेफ एंड पीसफुल लाइफ अब पुलिस हमारी हेल्प करती है एक अच्छी लाइफ और सुरक्षित लाइफ जीने में ठीक है मीन्स अगर हमें कोई भी इंजरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उससे हमें पुलिस बचाती है पुलिस मैन एंड पुलिस वूमेन आर आवर फ्रेंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक अब पुलिस मैन और जो वुमेंस हैं वो हमारे दोस्त हैं क्योंकि वो हमें चोरों से या किसी भी बुरी चीज़ से हमारी हेल्प करते हैं अब एक ट्रैफिक पुलिस होती है जिसका काम होता है ट्रैफिक को कंट्रोल करना नेक्स्ट आता है फायर स्टेशन अ फायर ब्रिगेड पुट आउट फायर फायर फाइटर कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अवर होम अब फायर स्टेशन क्या होता है अगर कहीं पे आग लग जाती है तो यहाँ पे फायर फाइटर्स आते हैं और वो आग से हमें बचाते हैं ठीक है नेक्स्ट है पार्क पार्क हैव ग्रीन ग्रास ट्री एंड फ्लावर देयर इज अ वॉकिंग ट्रैक फॉर वॉकिंग एंड जॉगिंग अब पार्क क्या होता है जहाँ पे हरे हरे पेड़ पौधे हों सुंदर सुंदर फूल हों हरी हरी घास हो जहाँ पे हम चलते हैं वॉक करते हैं और जॉगिंग करते हैं जॉगिंग में धीरे धीरे रन करना वहाँ पे एक ट्रैक होता है पार्क के चारों तरफ जिसपे जॉगिंग की जाती है देयर आर स्ला स्विंग्स एंड स्लाइड देयर आर बेंचेस फॉर पीपल टू सिट ऑन इट अब इसमें स्विंग्स होती है मी ऐसे ऐसे करके झूले होते हैं स्लाइडर्स आपने झूले ना इस तरह का झूला होता है अब वो बच्चों के लिए होता है और बेंचेज होते हैं जिस पर लोग बैठ सकें ऐसे हमारा होता है बस स्टॉप एंड रेलवे स्टेशन वी गेट बसेस फ्राम बस स्टॉप अब हमें बस कहाँ से मिलती है बस स्टॉप से मिलती है ट्रेन अराइव एट एंड डिपार्ट फ्राम रेलवे स्टेशन और अगर हमें कहीं पर जाना है तो हमें ट्रेन से जाना है तो हमें रेलवे स्टेशन जाना चाहिए जहाँ से हमें ट्रेन मिलती है और हम कहीं अगर जाते हैं मतलब जहाँ से ट्रेन जाती है और जहाँ पर ट्रेन आती है ठीक है एयरपोर्ट एरोप्लेन लैंड एट एंड टेक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट अब सेम है एरोप्लेन वहाँ पे लैंड भी करता है और वहाँ से टेक ऑफ भी करता है मीन्स आता भी है और जाता भी है वी ऑल लाइक टू लिव इन अ सेफ क्लीन एंड फ्रेंडली नेबरहुड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अवर नेबर्स वेन दे नीडस अब क्या कहते हैं इसी तरह हम को क्या कहते हैं ऐसा नेबरहुड चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो क्लीन हो फ्रेंडली हो मीन जो हमारे लिए हेल्पफुल हो और वैसा ही हमें उसके साथ भी करना चाहिए जो भी चीज़ें हमारे नेबरहुड में हमें उनका ध्यान रखना चाहिए और जो भी हमारे नेबर्स हैं अगर हमें उन्हें ज़रूरत पड़े तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन अपनी चारों तरफ की जगह को क्लीन रखें वी विजिट द मार्केट पार्क एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टॉप एक्सेट्रा सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप दिस प्लेस नीट एंड क्लीन देयर आर मैनी पीपल हु कीप दिस प्लेस क्लीन अब क्या कहते हैं अगर हम देखें कहीं भी विजिट करते हैं मार्केट हो पार्क हो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस तो यहाँ पे क्या है ये हमारी ड्यूटी है कि हम इन जगहों को जब भी यूज़ करें हम साफ़ रखें यहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हें मिल साफ़ करते हैं तो ये हमारी भी ड्यूटी है कि हम इन जगह को साफ़ रखें द स्वीपर क्लीन रोड एंड स्ट्रीट एंड कलेक्ट द गार्बेज अब जैसे स्वीपर है जो रोड को क्लीन करता है कूड़े को साफ़ करता है ठीक है द गार्डनर कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इसी तरह से जो गार्डन है उसको गार्डनर क्लीन रखता है ग्रीन रखता है ठीक है वी शुड रिस्पेक्ट पीपल हु कीप अवर सराउंडिंग क्लीन और ऐसे लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारे चारों तरफ की जगह को साफ रखते हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखें चैप्टर इज़ फिनिश बाय टेक केयर